नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से मिल रही है। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के आज हंगामेदार होने के आसार हैं। कई मुद्दों पर विपक्ष सदन में चर्चा करेगा। विधायक निधि से जीएसटी खत्म करने की मांग की गई है। दोनों पक्षों के विधायकों ने एकजुट होकर की मांग। विधायकों ने सीएम धामी से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। कल विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। विपक्ष सत्ता पक्ष के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सरकार के क्राइम के आंकड़ों को विपक्ष ने गलत ठहराया है। कल विधानसभा ने में अनुपूरक बजट पेश किया गया। नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण विधेयक पेश हुआ। कल पेश हुए करीब 10 विधेयक आज पारित किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल हमने देखा था किस तरह से हंगामा देखने को मिला था। कल पहले दिन तीन बार स्थगित करना पड़ा क्योंकि एक बार 30 मिनट के लिए विपक्ष के विधायक मौजूद नहीं रहे थे। बाद में पता चला कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने पहुंचे हैं और उसके बाद एक विधायक ने आत्मदाह की धमकी भी दी और तमाम तरह के कल नजारे देखने को मिले हैं पहले दिन और आज देखने को मिलेगा कि क्या कुछ हंगामेदार हो सकता है क्योंकि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष आज सदन में चर्चा करने वाला है। कई मुद्दों को उठाएगा। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था का जो सवाल किया गया था उसके जवाब से कहीं ना कहीं विपक्ष संतुष्ट नहीं था और अब देखने वाली बात होगी कि आज एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। चलिए एक बार अब रुक करते हमारे संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जिस तरह से कल हमने देखा था विधानसभा का पहला दिन का सत्र था और काफी हंगामा देखने को मिला, तीन बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए अमृता, अगर आज के सत्र के दिन की हम बात करें तो आज जो हमारे विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई है उन्होंने साफ तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को बयां किया है कि आज वो नियम 310 के तहत आपदा से संबंधित मामले को सदन के अंदर उठाने वाले हैं और जब विपक्ष के तमाम विधायक एक स्वर में इस आवाज को सदन के अंदर बुलंद करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि नियम 310 के तहत इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष या सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर सरकार इसमें तैयार नहीं होती और पीठ की जो मुखिया है विधानसभा अध्यक्ष अगर वो इसको स्वीकार नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो हंगामा कर सकते हैं, बेल में आकर के शोर कर सकते हैं और ऐसे में अपनी मांग को लेकर के यदि विपक्ष के विधायक हंगामा करेंगे तो सदन की कार्रवाई जो है वो प्रभावित हो सकती है। जो विपक्ष के नेताओं से अमृता हमने बात की है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज वो अपने ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर के, प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर के आज वो अपनी बात सदन के अंदर रखने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि क्या नियम 310 के तहत जो विपक्ष के विधायक अपनी मांग रखने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष क्या उसको नियम 310 में स्वीकार करेंगी या नहीं। जी अमृता, सुनू, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे थे विपक्ष से बात की, विपक्ष का कहना है कि कई मुद्दों को लेकर आज सदन में चर्चा की जाएगी, अपने मुद्दे रखे जाएंगे विधायकों की ओर से। कल हमने जिस तरह देखा था कई विधायकों ने विपक्ष के वॉकआउट कर दिए थे लेकिन कई विधायक सत्र में सदन में बैठे रहे, लेकिन क्या लगता है इस तरह अगर वॉकआउट किया जाएगा बात बात पर तो क्या सदन की कार्यवाही सुनिश्चित तरीके से चल पाएगी? देखिए ये आपका बहुत अहम सवाल है अमृता, क्योंकि सदन जो आहूत किया जाता है वो विधेय कार्य हुए और विकास के मुद्दों पर एक स्वस्थ चर्चा हो सके इसलिए सदन आहूत किया जाता है और सदन के आहूत होने पर अच्छा खासा बजट भी खर्च होता है। तमाम व्यवस्थाएं चाक चौवन की जाती है, भारी भरकम धनराशि खर्च की जाती है, जो जनप्रतिनिधि है वो विधानसभा पहुंचते हैं और जो व्यवस्थाएं उनको मुकम्मल किया जाता है। तो ऐसे में सरकार के साथ साथ प्रदेश का जनमानस ये उम्मीद करता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर के जनता ने विधानसभा में भेजा है वो उनके जनहित के मुद्दों को सदन में उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं इस बात का और हमने स्वयं भी इस वाक्य को अपनी आंखों से देखा है सदन के अंदर कि जो विपक्ष के विधायक हैं कई मामलों को लेकर वो भी एकजुट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ विधायक जो है सदन में मौजूद होते हैं, कुछ विधायक सदन में मौजूद नहीं होते और जब हम विधायकों की ये जानकारी हासिल करते हैं तो मालूम होता है कि कुछ विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के पहुंच गए। तो ऐसे में ये बात तो सही है कि सदन की कार्रवाई आगे चलती रहती है और जो कामकाज उसको निपटा लिया जाता है, लेकिन जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी एकजुटता भी नजर नहीं आ रही।
इसके अलावा जो दूसरे पहलू है, जब विपक्ष के विधायक एक स्वर में किसी मुद्दे को उठाएंगे नहीं तो उनको जवाब आखिर कैसे मिलेगा। जी अमृता, सोनू ये भी हमें हर बार देखने को मिलता है कि विधानसभा के बाहर जो कर्मचारी की बात करें, किसानों की बात करें, अपने मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन इस बार 144 लागू धारा कर दी गई है। क्या लगता है इस बार भी किसी तरह का कोई प्रदर्शन किया जा सकता है? देखिए, अगर हम विधानसभा सत्र के पहले दिन की बात करें तो कुछ वाहन चालकों ने, कुछ टैक्सी यूनियंस ने पूरे प्रदेश भर के बड़ी तादाद में विधानसभा का घेराव किया है और उसमें ऑटोमेटिक जो फिटनेस है उसके संस्थान को स्थायी रूप से स्थापित करने को लेकर के और तमाम उनकी जो मांगे हैं या 10 साल से पुराने जो वाहन हैं उनको हटाए जाने को लेकर के जो विरोध किया है, अपनी मांग विधानसभा का घेराव कर सरकार के सम्मुख रखी है। हालांकि इस पे कई दौर की वार्ता भी हुई है लेकिन उन वार्ताओं का कोई नतीजा सामने नहीं आया। जहां तक आपका ये दूसरा सवाल है कि जब विधानसभा का सत्र आउट होता है तो तमाम संगठन है, तमाम यूनियन के नेता है और खासतौर पर मुख्य विपक्षी दल के जो नेता है वो विधानसभा सत्र का घेराव करते हैं जब सदन में वो ये महसूस करते हैं कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। क्योंकि ये अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखकर पारित करने के लिए विधानसभा सत्र आहूत किया जा रहा है, ऐसे में क्योंकि अनुपूरक बजट से संबंधित विधानसभा का बजट सत्र है, ऐसे में बहुत कम मात्रा में जो है वो विधानसभा का घेराव करते हैं संगठन। जब मुख्य रूप से बजट सत्र होता है तो उस दौरान इस तरह के वाक्यात ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी अमृता, सोनू जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से जो विधायक होते अपनी बात रखने के लिए सत्र का इंतजार करते, उसी तरह जनता जो होती है वो भी इसी का इंतजार करती है कि उनकी बात विधानसभा सत्र के दौरान रखी जाए और उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिल सके। लेकिन जिस तरह विपक्ष यहां पर हमेशा आरोप लगाती है कि सत्ता पक्ष जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कई बार उनके सवालों से, उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आती है, क्या लगता है अगर इस तरह विपक्ष वॉकआउट करता रहेगा तो कहीं ना कहीं जनता के सामने भी विपक्ष की जो छवि है वो खराब होती है? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि देखिए जितना जिम्मेदार सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सदन के सदस्य हैं, उतना ही जिम्मेदार इस सदन में विपक्ष के विधायक भी हैं, चाहे विपक्ष के विधायकों में अब कांग्रेस के विधायक हो या अन्य दलों के विधायक हो या फिर निर्दलीय जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुन के भेजा है वो भी पूरा ही जिम्मेदार है। चूंकि अगर सदन बाधित होता है, सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाती, सुचारू रूप से नहीं चल पाती और उसमें जन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती तो इसके लिए बराबर का जिम्मेदार जो है वो विपक्ष भी है। अब विपक्ष ये बात तो कहता है कि जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो होमवर्क करके नहीं आए हैं, जन मुद्दों पर वो जिन मुद्दों पर जवाब चाहते हैं, जिन योजनाओं के बारे में वो सवाल लगाए हुए हैं उन सवालों का ठीक से जवाब नहीं आता और जो मंत्री हैं वो होमवर्क करके नहीं पहुंचते हैं, ये बात विपक्ष की सही है। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं भी इस बात को कहा है कि विपक्ष अगर विपक्ष अपनी ही मनमर्जी करता है तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष एक जो स्वस्थ हेल्थ जो हेल्दी डिबेट है, जो हेल्दी चर्चा है वो एक सदन के अंदर विपक्ष को करना उसकी जिम्मेदारी है, जन मुद्दों को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम कल की बात करें मृता, तो जो प्रश्नकाल है, हालांकि विपक्ष ने शुरुआती दौर में जरूर अपने तीखे तेवर अख्तियार किए थे लेकिन उसके बाद जो है विपक्ष ने प्रश्नकाल चलने दिया और उसके बाद शून्यकाल भी चला और कई मुद्दों पर जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए और जो विपक्ष के जो सदस्य हैं सदन के वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आए। जी अमृता, सुनो कल जिस तरह हमने देखा था कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसे कल उठाया भी गया सदन में और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष के जवाबों से सहमत नहीं रहा। चाहे हम बात करें क्राइम रेट के आंकड़ों की तो सीधे तौर पर देखा जाए तो उस पर हंगामा भी हुआ कि आज भी दोबारा ये मुद्दा उठाया जा सकता है। देखिए ये अपने आप में एक बड़ा अहम पहलू है क्योंकि जिन विधायकों ने चाहे वो आदेश चौहान हो या सुमित हृदयेश हो, इन विधायकों ने जो विशेष अधिकार के हनन का मामला उठाया और उत्तराखंड की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था का मामला उठाया, ये मामला वाकई गंभीर है क्योंकि अभी कई ऐसे प्रकरण हाल ही में सामने आए हैं जिस पर लगातार विपक्ष जो है वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है और जो अभी तक जांच पड़ताल हुई है उससे विपक्ष के जो विधायक हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है।
लिहाजा विपक्ष के विधायकों ने सदन की कार्रवाई शुरुआत होने के वक्त नियम 310 के तहत मांग की थी और विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 में इसको स्वीकार किया और उसके बाद इस पर चर्चा हुई। तो विपक्ष के विधायकों ने बताया कि किस तरह से हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था जो है किस तरह से बदहाल होती हुई नजर आ रही है, जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है और उनको ही खतरा हो रहा है, वो आत्मदाह तक करने की विधानसभा के प्रवेश द्वार पर चेतावनी सदन के अंदर अगर विधायक दे रहे हैं तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए इस पर जांच करने की बात भी कही है और अगर पीठ की मुखिया किसी मामले में जांच करने की बात करती है तो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। लिहाजा चूंकि मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और जो आंकड़े सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री के ने सदन के अंदर प्रस्तुत किए हैं विपक्ष को बताने के लिए, ये जो क्राइम का ग्राफ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कई ऐसे केसेस हैं जिनको पुलिस ने वर्कआउट किया है, लेकिन इन तमाम जवाबों से विपक्ष जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया। और जब संतुष्ट नहीं हुआ है तो आप समझ लीजिए कि जो चर्चा हुई है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और उसके जो परिणाम है वो आने वाले समय में हम क्या देख पाएंगे, ये समझा जा सकता है। जी अमृता, सोनू कल जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा सत्र के दौरान, कल अनुपूरक बजट पेश किया गया लेकिन जिस तरह से हंगामा होता जा रहा है सत्र के दौरान, आज भी कयास लगा जा रहा है कि आज भी हंगामा हो सकता है, क्या आज अनुपूरक बजट पास हो पाएगा ऐसी स्थिति में? देखिए दो पहलू इसके हैं, एक तो ये है कि विपक्ष के विधायक जिस समय बजट को पारित किया जाएगा हो सकता है कि वो वॉकआउट करे और अगर ऐसे वॉकआउट करेंगे तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं संसदीय कार्य मंत्री और तमाम जो विधायक और मंत्री हैं जाहिर सी बात है उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा और विपक्षी गैर मौजूदगी में भी हमने कई बार पिछले सत्रों में देखा है कि कामकाज आगे बढ़ा है। और अगर दूसरी विपक्ष के विधायक अपनी मांगों को लेकर के सदन के अंदर रहते हैं तो उस दौरान शोर शराबे के बीच में भी चूंकि सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या अधिक है ऐसे में बजट पारित कर दिया जाएगा, तो बजट तो पारित होना ही होना है, बस ये देखना होगा कि विपक्ष क्या अपने मुद्दों को लेकर के बजट पारित होने के दौरान क्या हंगामा करेगा और अगर विपक्ष हंगामा नहीं करता है तो बजट पारित हो जाएगा और जो बजट टेबल किया गया है अमृता आज शाम तक इस बजट को पारित कर दिया जाएगा। चलिए सोनू बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आज बता दें कि विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और कल जिस तरह हमने देखा था हंगामे की भीड़ चढ़ा था सदन की कार्रवाई पहले दिन की, लगातार हमने देखा था किस तरह से विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे और सवाल के जो जवाब मिले थे सत्ता पक्ष की ओर से उस पर कहीं ना कहीं सहमत नजर नहीं आए थे, और जिसके बाद अब आज देखने वाली बात होगी अनुपूरक बजट आज पास होना है और सत्ता पक्ष की जो संख्या है वो ज्यादा है और ऐसे में बजट किसी न किसी तरह तो पास हो जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि बजट पास होने के दौरान क्या कुछ विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाएगा।